तो यार कैसे हो? तो आप देख रहे हैं डेंजर मोस्टर चैनल। तो फिर से हम आ चुके हैं ब्रांड दी न्यू इवेंट टॉपिक की वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टीडीएम की बाहर आप कैसे जा सकते हो, और टीडीएम की बाहर एक सीक्रेट रूम है उसके अंदर आप कैसे जा सकते हो, और भी बहुत सारे कूल टिप्स एंड ट्रिक लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई नीचे जो लाल बटन है प्लीज़ उसका कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना सिर्फ कलर चेंज कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की वीडियो की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा पहला ट्रिक की तरफ। पहला ट्रिक यह है कि आप कैसे टीडीएम के बाहर जा सकते हो, टीडीएम का जो एरिया है उसके बाहर आप कैसे जा सकते हो। तो पहले मैं तो अपना टीममेट को समझा रहा था वो कैसे मुझे पूछ दे पीछे से, तो अब देखना मैं पीछे से पूछ देने से पहुँच जाऊँगा टीडीएम के बाहर। तो होम गाइस देख सकते हो मैं आ गया टीडीएम के बाहर। तो भाई इधर से आप एनिमी को मार भी सकते हो, मैं आपको मार के भी दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने एनिमी को मार के दिखा दिया कि टीडीएम के बाहर जा सकते एनिमी को मार सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा दूसरी ट्रिक की तरफ। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किधर से आना है आपको, इधर से आना है आपको। तो भाई ये रही वो सीक्रेट रूम जिसके अंदर आप घुस जाओ। लेकिन भाई एक बात, इधर से आप सिर्फ गैरेंट कर सकते हो, आप एनिमी को फायर करके नहीं मार सकते हो। गैरेंट करके आप मर सकते हो लेकिन फायर करके नहीं मार सकते हो। लेकिन आप जब फायर करोगे एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि किधर से फायर कर रहा है, उसको लगेगा लेकिन उसका डैमेज नहीं होगा। तो मैं आपको मार के भी दिखा देता हूँ लेकिन वो नहीं मरेगा। बंदर आपको ढूंढ ढूंढ के हैरान हो जाएगा कि किधर से मर रहा है, उसका फायर का जो साउंड वो साउंड भी आएगा लेकिन आपको नहीं देख पाएगा। तो मैं अभी गैरेंट करके भी दिखा दूँ कि गैरेंट फट जाएगा। तो यार चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा तीसरी ट्रिक की तरफ। तो तीसरी ट्रिक ये है कि तो टीडीएम के बाहर आने के बाद, टीडीएम का जो एरिया है उसके बाहर आने के बाद आपको इधर आ जाना है। इधर आने के बाद सिर्फ जंप करना है, सिर्फ जंप का बढ़ रहा है, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। तो दबाने से क्या होगा थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो भाई ये थोड़ा कूल ट्रिक है। तो ये आप जब दोस्तों को दिखाओगे, आपका जो टीममेट है उसको जब दिखाओगे तो वो देखकर हैरान हो जाएगा भाई ये कैसे कर रहा है। तो भाई उसको सरप्राइज दे सकते हो, जो भाई देख क्या कैसे मैं कर रहा हूँ, सिर्फ जंप का बटन दबाते जाओ। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ थंबनेल के लिए। तो ये भी मुझे भी पूछा था भाई तुम कैसे कर रहे हो, तो मैंने उसको बोला भाई अभी ये तो एक ग्लिच अभी चल रहा है पबजी में। तो इधर से आपको एनिमी फायर भी दे सकता है और उसको भी आप डैमेज दे सकते हो। तो मैं भी उसको डैमेज दे रहा हूँ। इसके ऊपर जाने के बाद अब नीचे कैसे आओगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको आना है, उसके बाद आप इधर से आ जाओगे। तो यार चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा चौथी ट्रिक की तरफ। तो चौथा ट्रिक ये है कि आप टीडीएम का जो दूरी में हिल दिख रहा है उसके ऊपर आप कैसे चढ़ पाओगे। लेकिन भाई मैं बता दूँ उसके ऊपर आप नहीं चढ़ पाओगे, उसके अंदर आप जा सकते हो। लेकिन भाई देख सकते हो कितना कूल ट्रिक है ये, कितना आप दोस्तों के साथ जाओ इधर आना भाई मस्त लगेगा देखने में। इधर शॉट भी जा रहा है देख लीजिए, शॉट भी टीडीएम का जो एरिया होता है उसी की तरफ जा रहा है आपका शॉट। तो इधर आप इमोट भी कर सकते हो, मैं इमोट करके आप दिखा दूँ, देख सकते हो ये इमोट भी आप कर सकते हो। तो भाई जरूर दोस्तों के साथ आना और इंजॉय करना ये ट्रिक। तो भाई इस टीडीएम का जो राउंड है उसकी दूसरी साइड एक हिल है उसके अंदर भी आप जा सकते हो, ये देख सकते हो मैं इसके अंदर भी आ चुका हूँ। तो यार ये रही आज का हमारा चौथी ट्रिक। तो यार आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ टीडीएम का जो पार्ट वन है ये आप देख सकते हो, टीडीएम का पार्ट टू भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।